पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिल रही, तो मैंने कुछ पैसे देकर सीट ले ली थी। अब जबकि मेरे पास डिग्री आ जाएगी और मैं इस डिग्री पर जॉब करूँगा, तो इस जॉब की जो सैलरी होगी, क्या वो सैलरी हराम होगी? नहीं भाई, सैलरी तो आपको जॉब की मिलेगी ना, तो जॉब में जो काम करेंगे वो अगर हलाल काम है तो उसकी अर्निंग भी हलाल है। बाकी जो आपने सीट दी रिश्वत दे के, ये मसला मैं कई बार बयान कर चुका हूँ। अगर आप उस सीट के अहल थे और आपको ये यकीन था कि मैंने पैसे नहीं दिए तो कोई दूसरा पैसे दे के आ जाएगा और मेरा हक मारा जाएगा, तो फिर रिश्वत लेने वाले को गुनाह होगा, देने वाले को नहीं होगा गुनाह। और अगर आप अहल ही नहीं थे और पैसे दे के आपने सीट हासिल कर ली है, तो फिर आपके लिए जायज़ नहीं था। तनख्वाह तो फिर भी हलाल इसलिए होगी कि जॉब अगर आप कर रहे हैं वो सही जिम्मेदारी से पूरी कर रहे हैं, तो तनख्वाह हलाल होगी, लेकिन रिश्वत देने का गुनाह होगा। तो अगर आपने किसी का हक दबाने के लिए रिश्वत दी है, आप उसके अहल नहीं थे तो आपने रिश्वत दे के एक हराम काम का इरतिकाब किया, सख्त गुनाह का इरतिकाब किया। और अगर आप उसके अहल थे, महज इस बेस पे सीट नहीं मिल रही कि दूसरे रिश्वत दे रहे हैं आप नहीं दे रहे, फिर अगर आपने दे दिए तो आपको गुनाह इंशाल्लाह नहीं होगा, बल्कि लेने वाले को गुनाह होगा। उसने गोया, क्योंकि मजबूर किया उसने आपको रिश्वत देने पर।